असम में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही और राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने से नए इलाके भी पानी में डूब गए। बाढ़ से 10 जिलों में करीब 1.2 लाख लोग प्रभावित हुए। मोईरारंगा बाटाघिला गांव में लगभग 200 परिवार बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई परिवार अस्थायी रूप से शेल्टर में शिफ्ट हो गए। मूसलाधार बारिश के बाद पागलादिया नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके कारण पिछले 24 घंटों में नए इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिले के घोघरापार, तिहू, बरभाग और धमधामा इलाके के करीब 90 गांव पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा असर नलबाड़ी में हुआ है और करीब 45,000 लोग इससे जूझ रहे हैं। इसके बाद बक्सा में 26,500 और लखीमपुर में 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। प्रशासन ने 5 जिलों में 14 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 2,091 लोगों ने शरण ली है और 5 जिलों में 17 राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF और SDRF फायर ब्रिगेड की टीम और आपातकालीन सेवा, नागरिक प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों ने अलग अलग जगहों से 1,280 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान में 780 गांव पानी में डूबे हुए हैं और पूरे असम में 10,591.85 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है।